दुनिया में बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम्स है कि उनका पार्टनर उन्हें नहीं समझ रहा है, उनकी कदर नहीं कर रहा है, उनको भाव नहीं दे रहा है। क्या आपको पता है इसका आंसर क्या है? शायद आपको नहीं पता होगा, क्योंकि एक्चुअल में उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, उनकी प्रॉब्लम्स है क्या। एक्चुअल में उन्हें इसका ज्ञान ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैंने बोला रियलिटी इज टोटली डिफरेंट। उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी ज़रूरत क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, इसका उन्हें ज्ञान ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी रिक्वायरमेंट है क्या। तो इसको मैं बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझाता हूँ कि क्यों कोई इंसान आपको नहीं समझ रहा है, क्यों कोई इंसान आपकी कदर नहीं कर रहा है, क्यों कोई इंसान आपको भाव नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाता हूँ, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, आपका क्वेश्चन है समझ में आना। आप यही तो चाहते हो कि वो इंसान आपको समझे, आप उनके समझ में आए, यही तो आपका क्वेश्चन है कि वो इंसान आपको खूब समझे, वो आपकी कदर करे, आप उनकी समझ में आए, ना कि समझ में नहीं आना। आप ये चाहते हो कि समझ में आना, तो एक्चुअल में गलती तो आप यहीं पर करते हो कि आप उनके समझ में आते हो। वो इंसान आपको भली बात जाता है, खूब जानता है कि आप कितने पानी में हो, आप उनको नहीं छोड़ के जाने वाले, आप बेवकूफ़ हो कि आप उनके बगैर नहीं रह पाओगे। वो इंसान खूब ये जानता है आप उनके समझ में आ रहे हो, क्योंकि आप उनके सामने अपना पूरा चिट्ठा खोल के रखते हो, आपने ये सब कुछ ओपनली कर दिया है कि आप उनको खूब समझ में आ रहे हो। वो भली बात इंसान जानता है, तो आपको यही तो नहीं करना चाहिए। आप यहीं पर गलती करते हो, आप उनके समझ में आ रहे हो, आपको बस यही करना चाहिए कि समझ में नहीं आए। आप ये करो कि आप उनके समझ में ही ना आओ। देखिए, जब आप उनके समझ में ही नहीं आओगे तो वो इंसान कुछ भी एक्शन करेगा तो उसको नहीं पता होगा कि आप क्या रिएक्शन करने वाले हो, तो यहाँ पर उसे ये भलीमात पता ही नहीं होगा, तो इसलिए उसको भी डाउट रहेगा, उसको भी ये डर रहेगा कि कहीं सामने वाला हमको ही ना छोड़ के चला जाए। तो वो इंसान आपको भाव भी देगा और आपको समझेगा भी। तो यहाँ पर आपको काम ये करना है कि आप उनको उनके समझ में नहीं आना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं आपको आगे इसके लिए 3 पॉइंट बताता हूँ कि आपको क्या करना है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। पहला पॉइंट है, तुम इतने भी स्पेशल नहीं हो, ये लाइन बोलो, ये लाइन आप अपने पार्टनर को बोलिए। देखिए, जब भी कोई इंसान बहुत ही अच्छी तरह से आपको समझ लेता है, बहुत ही अच्छी तरह से जान जाता है, उसको पता होता है कि आप कितने पानी में हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने उसके सामने अपना सारा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है, आपने उसे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल फील करा दिया है। तभी तो वो जानता है कि आप कितने पानी में हो, आप उसके बगैर नहीं रह सकते हो, आप बेवकूफ़ हो। वो जानता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले हो, आप तो मेरे ही पीछे आओगे। तो आप ये गलती ना करें, उसे इतना स्पेशल ना फील कराएं कि उसे आप साथ में आसमान पर बैठा दें और आप उसके सामने कुछ भी ना लगें, आपकी वैल्यू ही ना रहे। तो ये गलती आप ना करें, आपने यकीनन यही तो गलती की है, अभी तो आप इस समस्या से जूझ रहे हैं। ये गलती बिल्कुल ही ना करें, आप उनको इतना भी स्पेशल ना फील कराएं कि वो साथ में आसमान पर पहुंच जाएं और आप उनके सामने कुछ भी ना लगें। आपको बस यही लाइन बोलनी है, तुम इतने भी स्पेशल नहीं हो, और भी तो लड़कियां हैं, और भी तो लड़के हैं, मैंने ही आपको स्पेशल बनाया है, तो आप इतने भी स्पेशल नहीं हो, ये लाइन आप उनको बोलेंगे। तो आई होप ये पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। दूसरा पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दूसरा पॉइंट है सेल्फ कंट्रोल। ये कला आपके अंदर होनी ही चाहिए, आपको सेल्फ कंट्रोल करना आना ही चाहिए, ये आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो आप हर समस्या का सामना कर पाएंगे और उसे फाइंड आउट करके उसका सलूशन निकाल पाएंगे। आपको खुद में सेल्फ कंट्रोल करना आना चाहिए। मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ, जैसे कि आपको गुस्सा आता है तो आपको गुस्से पे कंट्रोल करना आना चाहिए। आपकी और आपके पार्टनर की बात हो रही है और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है और आप वापस उनको कॉल धड़ाधड़ लगाने लगते हैं, आपको कंट्रोल बिल्कुल ही नहीं होता है, वहीं पर आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। आपको वक्त देना ही चाहिए, वहाँ पर आपको थोड़ा गैप देना चाहिए और सोचना चाहिए, खुद को कंट्रोल करना आना चाहिए। तो सेल्फ कंट्रोल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये कला आपके अंदर होनी चाहिए। तो आई होप ये दूसरा पॉइंट भी आप समझ गए होंगे।
अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। तीसरा पॉइंट भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये तीनों पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो तीसरा पॉइंट है वक्त दो इमिडिएटली। देखिए ये पॉइंट कुछ भी नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इसका काम बहुत ज़्यादा है। आपको फौरन स्टार्ट करना है, वक्त देना, आपको तुरंत ये स्टार्ट करें कि आप अपने पार्टनर को वक्त दें इमिडिएटली। जब भी आप इस समस्या से जूझ रहे हो तो आपको वक्त देना स्टार्ट करना। यहाँ पर आप समझिए, वक्त देने का मतलब है कि आप उनके पास उपलब्ध ना रहें, उनको गैप दें, आप उन्हें समय दें, उनको अकेलेपन का समय दें, आप उनको अकेले सोचने का समय दें। तो ये उन्हें समय दें, जैसे कि कोई भी समस्या हुई तो आप उन्हें थोड़ा वक्त दें, थोड़ा उसे सोचने के लिए समय देंगे तो वो इंसान आपके बारे में भी सोचेगा। देखिए क्या होता है, जब कोई इंसान किसी इंसान के साथ हर समय उपलब्ध रहता है तो वो इंसान उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता है। जब भी उसका पार्टनर उसके पास नहीं रहता है, उसके पास नहीं होता है, तो उसका पार्टनर, उसका दिमाग अपने पार्टनर के बारे में ही सोचना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर आपको करना है, उसे वक्त दें अकेलेपन का, थोड़ा उसे अकेले भी छोड़ें, अकेले रहने दें। तो ये करेंगे तो वो आपके बारे में भी सोचेगा और आपकी कदर भी करेगा, आपको भाव भी देगा, आपको समझेगा। जब वो इंसान आपके बारे में सोचेगा, आप देखिए उसके साथ रहते हैं हर समय, उसके दिल में बसे हुए हैं, जब आप उसके साथ नहीं होंगे, उसको वक्त देंगे उसे सोचने के लिए, तो वो इंसान आपके बारे में सोचेगा और वो इंसान आपको समझेगा भी, आपको भाव भी देगा, वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी करेगा। तो यहाँ पर आपको स्टार्ट कर देना है, तुरंत ही वक्त देना इमिडिएटली। जब भी आप इस समस्या का सामना कर रहे हो कि वो इंसान आपको समझता नहीं है, वो इंसान आपकी कदर नहीं कर रहा, तो यहाँ पर ये काम करना स्टार्ट कर देने हैं। तीनों पॉइंट मैंने आपको बताए, तीनों बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आई होप ये तीनों पॉइंट आपको पसंद आए होंगे, वीडियो आपको पसंद आई होगी। एंड में अभी तक आपने हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन करके ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। यदि आपकी कोई भी कमेंट वगैरह है, लव लाइफ को लेकर प्रॉब्लम्स हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स का सलूशन आपको अवश्य दिया जाएगा। एंड में अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हो, कंसल्ट करना चाहते हो, तो कॉल फोन भी एप्लीकेशन के द्वारा मुझसे बात कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस नहीं, बिल्कुल वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।